गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, सदियों से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन। उत्तराखंड सीरीज में अब हम आ गए हैं हरिद्वार और इस समय हम हर की पैड़ी पर आए हैं। हरिद्वार उत्तराखंड का एक पवित्र धार्मिक शहर है। नियरेस्ट एयरपोर्ट इज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून एंड इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द इंडिया बाय रोड एंड रेलवे। सभी प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए ट्रेन्स आपको मिल जाएंगी और आप बाय रोड भी आ सकते हैं। मेरे पीछे पवित्र गंगा, जो भारतवर्ष में सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि एक माँ के रूप में पूजी जाती है। गंगा मूल रूप से स्वर्ग लोक में निवास करती थी। कहा जाता है कि अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ भगवान शिव की सहायता से गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे और जिस स्थान पर गंगा का उद्गम स्थल है वहां पर गंगा को भागीरथी कहा जाता है। आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलन के बाद इसे गंगा नाम दिया गया। दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इसके पवित्र जल में स्नान करते हैं। ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी, जब गंगा में हिंदू मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद हमारी अस्थियों को गंगा में ही प्रवाहित किया जाता है ताकि हम इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त हों। तो चलिए चलते हैं हर की पैड़ी। गंगा के साथ गंगा आरती का भी यहाँ पर बहुत महत्व है और शाम को आरती के वक्त हम आपको गंगा आरती के भी दर्शन कराएंगे। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, समुद्र मंथन के बाद जब विश्वकर्मा जी अमृत के लिए झगड़ रहे देव और दानवों से बचाकर अमृत ले जा रहे थे तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं और वे स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए थे। हरिद्वार ही उनमें से एक स्थान है और जिस स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी थी वह हर की पैड़ी ही था। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए हर श्रद्धालु की सबसे प्रबल इच्छा होती है और वो मानते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब कभी आप हरिद्वार आएं तो यहाँ पर मोहनपुरी वाले के यहाँ जाना ना भूलें, जहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट पूरियाँ मिलती हैं और वहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं और ये स्थान हर की पैड़ी से बिल्कुल सामने ही है। अब हम जा रहे हैं चंडी देवी और वो हर की पैड़ी से 6.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और पहुँचने में 15 से 20 मिनट लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। और चंडी देवी मंदिर यहाँ के प्रमुख स्थानों में से एक है तो अब हम वहाँ जा कर के माँ के दर्शन करेंगे। हरिद्वार में अब हम आ गए हैं चंडी देवी मंदिर। ये शहर से 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक ऊपर आने के लिए हमने उड़न का टोला लिया। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब शुंभ और निशुंभ दो राक्षसों ने इंद्र के दरबार में जाकर के उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को उठाकर स्वर्ग से बाहर फेंक दिया था, तब देवताओं के आग्रह पर पार्वती माँ ने चंडी का रूप धारण किया था और
तब से इस स्थान को चंडिका देवी कहा जाता है या चंडी देवी मंदिर कहा जाता है। मंदिर की स्थापना 1929 में कश्मीर के राजा द्वारा की गई थी, मगर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस मंदिर में जो मूर्ति है उसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। ये मंदिर हरिद्वार के तीन प्रमुख पीठों में से एक है, दूसरा है मनसा देवी मंदिर और तीसरा है माया देवी मंदिर। तो ये तीन देवियों के मंदिर हैं जो तीन अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित हैं। हरिद्वार आने के बाद आप यहाँ के मंदिरों के दर्शन करना अवश्य चाहेंगे। बहुत सारे खूबसूरत मंदिर हैं यहाँ पर, और आपको हर की पैड़ी के पास से टेम्पो मिल जाएगा और वो 300 से 350 रुपये में आपको सभी मंदिरों के दर्शन करवा देगा। अब हम आ गए हैं पावन धाम मंदिर, और ये कृष्ण भगवान का एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर है जो पूरा कांच का बना हुआ है। दीवारों पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों से बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं, और महाभारत के विभिन्न ऋषियों के इस पे चित्र उकेरे गए हैं। तो हरिद्वार आने पर आप इस मंदिर को अवश्य देखें, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और आप अवश्य यहाँ पर आ कर के आपको अच्छा लगेगा। राम मंदिर वाइट मार्बल का बना एक बेहद खूबसूरत मंदिर है, और यहाँ की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ की दीवारों पर तुलसी रचित रामचरितमानस की पंक्तियाँ अंकित हैं। दिस इज़ वैष्णो देवी टेम्पल, और यहाँ पर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम मंदिर को आपको बाहर से ही दिखा पा रहे हैं। अब हम आ गए हैं भारत माता मंदिर, जो एक 8 मंजिला मंदिर है, और ये मंदिर डेडिकेटेड है ऑल द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। इस मंदिर का निर्माण कराया था स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने, और इसका इनॉग्रेशन 15 मई 1983 को लेट प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों से हुआ था। तो जब आप हरिद्वार आएँ, भारत माता मंदिर देखना ना भूलें। हर की पैड़ी से 5 किलोमीटर दूर स्थित सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार के प्रसिद्ध आध्यात्मिक विरासत स्थलों में से एक है।
एक लोक कथा के अनुसार इस स्थान पर 7 ऋषियों ने तपस्या की थी और ऐसी मान्यता है कि गंगा ने यहाँ पर खुद को 7 धाराओं में विभाजित कर लिया था ताकि उन मुनियों की आराधना में कोई विघ्न ना पहुँचे और इसीलिए इस स्थान को सप्त सरोवर या सप्त कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस आश्रम में रहने की भी व्यवस्था है। यदि आप शहरी भागदौड़ से परेशान हो गए हैं और कुछ पल सुकून और शांति से बिताना चाहते हैं तो यहाँ आकर के आप इस आश्रम में रुक सकते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए अलग अलग तरह की कॉटेजेस अवेलेबल हैं। हमने कुछ लोगों से बात भी की और उनका कहना यही था कि यहाँ पर रहने में बहुत ही अच्छा लगता है और भजन कीर्तन और बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें टूरिस्ट भाग ले सकते हैं और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब हम फिर से लौट रहे हैं हर की पैड़ी की तरफ शाम की गंगा आरती के लिए। और वैसे तो हमारा ये एक दिन का ही ट्रिप था हरिद्वार में, लेकिन अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हर बजट के होटल और धर्मशालाएँ मिलेंगी जहाँ आप रुक सकते हैं। खाने पीने के लिए हरिद्वार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा यहाँ पर नहीं होगी। गंगा आरती के लिए लोग इकट्ठा हो चुके हैं और तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप सामने देख सकते हैं पुजारियों ने यहां पर गंगा आरती के लिए जितनी भी आवश्यक तैयारियां होती हैं वो पूरी कर ली हैं। बस कुछ ही क्षणों में गंगा आरती का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। गंगा आरती के साथ हरिद्वार का ये सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है उत्तराखंड सीरीज़ का ये सफ़र आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। उत्तराखंड हम वापस फिर ज़रूर आएंगे क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो हम आपको लेकर के जाएंगे। देर आर सो मेनी अदर एक्साइटिंग डेस्टिनेशंस इन उत्तराखंड। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपकी होस्ट अर्चना श्रीवास्तव अब आपसे विदा लेती हूँ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।